स्वागत है मेरी तरफ से, क्योंकि ये फैमिल्स लाइव है जो आप देख रहे हैं। और आज हमारे पास, हमारे साथ एक हेल्थ सेक्टर में बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज सर को हमने बहुत मुश्किल से जो है उनका टाइम हमने लिया है, क्योंकि सर का बहुत बिजी शेड्यूल है। और मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दूं सर। सर जो है एनपी गुप्ता हैं, और सर इस वक्त चेयरमैन ऑफ यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर जो है चेयरमैन ऑफ यूरोलॉजी मेदांता द मेड सिटी हैं, और करेंटली फॉर्मरली सर प्रोफेसर एंड हेड यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली आप हैं। थैंक यू। अगर आप देखिए, मैं आपका अगर डेजिग्नेशन, जो कि बहुत बड़ा है, सर से मैंने बहुत कहा था कि कुछ छोटा सा मुझे बताइए जो मैं बता सकूं, तो सर ने मुझे छोटा सा बताया, बट देन सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक बार अपना इंट्रोडक्शन अगर आप दे दें तो अच्छा रहेगा सर। मैं हूं डॉक्टर एन पी गुप्ता। आई एम करेंटली चेयरमैन ऑफ यूरोलॉजी एट मेदांता दी मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गावा। फॉर्मरली आई वॉज प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। I came to Delhi in 1975, and since then I joined All India Institute of Medical Science, where I did my post-graduation in urology, and then I served in faculty position, and finally I took premature retirement from there in 2010 and joined Medanta the Medicity Hospital, Gurgaon, where I am currently working as chairman and head urology. My area of interest are sexual dysfunction, prostate disease, men's health problem, and urogenital cancer. So I am dealing with all these kind of conditions, and I will be very happy to answer if there are any questions around these topics. So thank you so much. Jaisa ki aap sab samajh sakte hain ki itna bada credentials jo hai aur itna sara experience abhi to mere liye bahut dur ki baat hai, isliye thank you so much for this sir. Aaj ka family life kyun special hai aur kyun important hai ye janna bahut zaruri hai. Aaj hum yahan par jo hai baat karne wale hain सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में और सेक्सुअल इश्यूज के बारे में, रादर अगर मैं वाइडली उसको अगर मैं सम कर सकूं तो। और सर हमारे पास क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस कम्युनिटी में हमारे जो है लोग famhealth.in/community पे पोस्ट करते हैं। इस बार काफी लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एंड वी नॉट सरप्राइज, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है सर, जैसा कि हम आपसे थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि इसके बारे में बात करते वक्त लोग अक्सर ऐसा समझते हैं कि ये अभी भी इसके बारे में बात करना एक तरह का पाप है या टैबू है। तो जैसे बाकी हमारे बॉडी के या बाकी हमारे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या इतने भी इश्यूज हैं, वैसे ही ये उतना ही इम्पोर्टेंट डिमेंशन है जिसके बारे में हम बात करने में आज भी झिझकते हैं। सो वी एट फैमहेल्थ एज अ प्लेटफॉर्म, हेल्थ प्लेटफॉर्म, हमने डिसाइड किया कि हम इस टॉपिक को जरूर उठाएंगे, और हमारी कम्युनिटी में से बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ये आप जो कह रहे हैं कि इट इज अ सोशल टैबू, एंड मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे समाज में सेक्स एक घृणा के रूप में देखा जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एक सेक्स की एक अच्छी छवि भी है और एक बहुत खराब छवि भी है। और जैसे आप सुनते हैं कि यहाँ रेप हो गया, वहाँ रेप हो गया, तो लोगों के मामले में बहुत भ्रम है कि ये सेक्स जो है एक अच्छी बात नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस, या महिला या पुरुष दोनों, इस संबंध में कोई बात भी नहीं करना चाहते हैं, ना ये किसी को बताना चाहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है। और इनको प्रॉब्लम सारी जिंदगी रहती है और वो उसको सहते रहते हैं कि भाई एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और ये बात अब नहीं है। अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, एजुकेशन भी है, और लोगों को समझ में आ रहा है कि जैसे हमारे एक, हम कहते हैं एक स्वस्थ शरीर हमें चाहिए, गुड हेल्थ। तो आई अकॉर्डिंग टू मी गुड हेल्थ में एक अच्छा शरीर तो चाहिए ही है, एक मानसिक हेल्थ भी है और एक सेक्सुअल हेल्थ भी है। तो आदमी है जो है उनको एक सेक्सुअली भी जो है उसकी भी नीड है, और जैसे हम रोज फूड खाते हैं या उसकी हमें जरूरत है अपने शरीर अच्छा रखने के लिए, वैसे ही सेक्स जो है वह भी एक हमारे शरीर के लिए जरूरी चीज है। सर एक चीज मैं आपसे, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन शुरू करूं, एक जानना चाह रहा था कि लोग ज्यादातर, आपके सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे कि वो लोग शायद इसलिए भी बाहर निकल के नहीं आते हैं किसी से कुछ पूछने के लिए, कि उनको लगता है कि शायद जज कर लिए जाएंगे या उनके बारे में। नहीं, उनको पहले तो लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो समझते नहीं, मेरे, मैं को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और इसलिए वो किसी से बताना नहीं चाहते, किसी से शेयर नहीं करना चाहते। वो कहते हैं यदि मैं शेयर करूंगा तो सबको या समाज को पता लग जाएगा कि जी मेरे को प्रॉब्लम है, और सब लोग मेरे को कोई नपुंसक कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इस डर के मारे लोग इस बात को नहीं बताते हैं। बट ये सब बातें अब जैसे मैंने कहा बदल रही है, और समय के हिसाब से जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, तो इस बारे में लोग अब खुलते जा रहे हैं। और दोनों, ये नहीं कि सिर्फ पुरुष है, महिलाएं भी जो है वो भी आजकल बातचीत करती है, फ्रेंकली बताने लग गई है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन अब अवेलेबल है। आज से 20-25 साल पहले यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होता था। इसलिए लोग सोचते थे यार इसका ट्रीटमेंट तो अब होना ही नहीं है, फिर हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास, क्यों इलाज करने जाएं, जब पता है उनको कुछ नहीं। अब ऐसी बात नहीं है, अभी तो किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सबके ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर ये क्योंकि अब जैसा आपने बताया तो उसके हिसाब से अगर मैं आपसे अगर क्वेश्चंस शुरू, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक तरीके से कॉमन आ रहे हैं, तो उसमें हमने एक अम्ब्रेला बनाया जैसे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो मोटे तौर पे या बड़े तौर पे आप किन इश्यूज को हाईलाइट करना चाहेंगे कि भाई ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में आता है? देखिए जब हम सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, इसमें काफी ग्रुप ऑफ कंडीशंस होती है। जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं जी, या फिर पुअर इरेक्शन। दूसरी प्रॉब्लम होती है जिसको हम इजेकुलेशन डिसऑर्डर बोलते हैं जी, जिसमें कि वीर जल्दी निकल जाना, सेक्स का ड्यूरेशन शॉर्ट होना, या फिर किसी किसी को बहुत देर तक सीवन ना निकलना, या फिर किसी को बिल्कुल नहीं निकलना। तो ये 3-4 कंडीशन होती है जिसको मिला के हम बोलते हैं इजेकुलेटरी डिसऑर्डर। और किसी किसी को कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी होती है जो पेनिस में हो सकते हैं, कुछ फाइब्रोसिस होता है, कंजनाइटल डिजीज होती है जिससे उनका प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता है, और इस तरीके की डिफॉर्मिटी होती है। और किसी किसी को जो होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, जैसे हार्मोनल की डेफिशिएंसी है तो उनको इरेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। तो ये सब ग्रुप ऑफ कंडीशंस को मिला के हम इसको सेक्सुअल डिसफंक्शन कहते हैं। और जब भी हमारे पास पेशेंट कोई भी आता है तो हम पहले उसको यही एनालाइज करते हैं, उससे हिस्ट्री लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम इसमें है, उसी के हिसाब से फिर हम उनकी जांच करते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं। एक बात मैं और आज यहाँ बात शुरू करने के पहले बताना चाहता हूँ कि एक बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, यूएस वगैरह में भी ये स्टडीज हुई हैं, जिसमें एक बात तो जरूर पाई गई है कि जैसे जैसे आदमियों की उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ धीरे धीरे सेक्स की इंटेंसिटी, सेक्स की फ्रीक्वेंसी और सेक्स का ड्यूरेशन ये धीरे धीरे कम होता है, और ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, ये एक डिजीज नहीं है। तो ये बात भी हमारे समाज को समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, और इसी दायरे के अंदर यदि कोई अपनी सेक्सुअल लाइफ रखता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। सर आपने काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है इस चीज को, आपने क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करी थी तो हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन है कि डज मैस्टरबेशन कॉजेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन? लाइक हमारे ख्याल से पूछना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन या कम, इन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं, जनरल तौर पे पूछा है। देखिए ऐसा है कि जब बच्चा बड़ा होता है, इसको हम जो प्यूबर्टी का पीरियड बोलते हैं, जो 12 या 13 साल की उम्र में हर बच्चे को इरेक्शन होना शुरू हो जाता है और वो उसको फील करता है, उसके पेनिस में सेंसेशन आते हैं। जब वो 13-14 साल का होता है तो समझता है कि भाई इसको हाथ वाथ लगाता है, नहाता है, टच करता है ऑर्गन को, तो उसको अच्छा लगता है और फिर वो स्टार्ट प्लेइंग विद दैट कि भाई हम उसके साथ खेलें। तो खेलने के साथ साथ क्या होता है, फिर जैसे ही उसकी उम्र और बढ़ती है, 16-17 साल का आता है, तो उसमें फिर वीर या सीमेन का निकलना शुरू हो जाता है और इसकी को हम मास्टरबेशन बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से नेचुरल प्रक्रिया है और ये हर एक नॉर्मल बच्चे को ये सेंसेशन तो आएंगे ही, और यदि उसको मजा आता है तो फिर वो करेगा, नहीं मजा आता है तो वो छोड़ देगा। और इसी के साथ एक और चीज है कि यदि वो नहीं करेगा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को रात में जिस समय वो स्लीप में रहते हैं तो 2 या 3 बार नॉर्मल इरेक्शंस होते हैं, और अर्ली मॉर्निंग में जरूर एक बार इरेक्शन होता है, इसको हम लोग नॉर्मल इरेक्शंस बोलते हैं। Okay. ये एबनॉर्मल नहीं है, और इसी एबनॉर्मल इरेक्शन
जैसे स्लीप का भी दो पैटर्न होता है, डीप स्लीप होती है और फिर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में सुपरफिशियल स्लीप होती है जिस समय की कुछ ड्रीम्स दिखाई देते हैं, तो नाइट फॉल जिसको बोलते हैं वो इसलिए कि जिस समय उसको सपना आ रहा है उस समय उसको एक्साइटमेंट होता है, उसको थोड़ा इरेक्शन हुआ और फिर उसका सीमेन जो निकल गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो उसने उसको नाइट फॉल हो गया या कपड़े खराब कर दिए, स्वप्न दोष इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से नॉर्मल प्रक्रिया है, ये भी आदमी को समझना चाहिए। हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं पहला स्वप्न का हमारे कमरे में आते ही से बोलना शुरू हो जाता है, ये हमें बचपन में बहुत किया है मैंने मास्टरबेशन इसलिए अब मेरा सेक्स खराब हो गया। तो ये एक प्रकार से मिथ है और ये सही बात नहीं है, और चाहे किया हो या ना किया हो इसमें सेक्सुअल लाइफ में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ओके, तो ये जो आपने लास्ट में बताया कि इससे सेक्सुअल लाइफ में कोई खास फर्क पड़ता नहीं, ऐसे भी बहुत लोगों के कंसर्न थे कि उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा कभी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया होगा तो उनको लगता था कि भाई ऐसा हो जाता है। एक चीज जब आप बात कर रहे थे सर, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि कहीं पे मैंने एक क्वेश्चन और मार्क किया था रिलेटेड टू दिस, इसमें कहीं पे था कि बहुत ज्यादा मैस्टर्बेशन की प्रैक्टिस से क्या एक टाइम बाद आप जिसे कहते हैं कि वीक हो जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत धारणा है। चाहे मास्टरबेशन, जैसे मैंने कहा है मास्टरबेशन कम किया ज्यादा किया, पहली बात तो इसकी इस प्रकार से कोई डेफिनेशन है ही नहीं जी कि कितने बार मास्टरबेशन करने से आदमी को गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कम, पहली बात तो गड़बड़ होती नहीं है, फिर ये नंबर की तो काउंटिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक प्रकार से नेचुरल प्रक्रिया है, इसीलिए यदि किसी की शादी जल्दी हो जाती, जैसे आजकल 21 वर्ष की उम्र में सरकार भी कहती है भाई कि मेल्स की शादी के लिए 21 वर्ष के बाद शादी हो जाना चाहिए जी। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, समाज की ये प्रॉब्लम है कि लोग वहां पढ़ाई करते रहते हैं, वो अपना कैरियर देखते हैं, वो अपना जॉब देखते रहते हैं, सोचते हैं जब उनको अच्छी जॉब मिल जाए मैं सेटल हो जाऊं तब मैं शादी करूंगा, और इसी चक्कर में फिर 28 29 30 साल की उम्र हो जाती है जी। तो अब उनके जो मेल के हार्मोन्स है उनका तो प्रोडक्शन हो ही रहा है, जो उनकी डिजायर है इरेक्शन हो ही रहा है, तो उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, इसलिए फिर वो मास्टरबेशन कर लेते हैं जी। तो अब हम इसमें एक प्रकार से ये नेचुरल प्रक्रिया है, तो कोई ज्यादा और कम मास्टरबेशन की बात नहीं है। हाँ, जो लोग शादी हो जाती है फिर वो सेक्स शुरू कर देते हैं जी, तो फिर उनका सीमेन निकलने लगता है, तो वो भी एक प्रकार से नॉर्मल प्रक्रिया है। ओके सर, इससे पहले एक और क्वेश्चन मैंने देख लिया है, इससे पहले मैं सर से एक और क्वेश्चन पूछूं या आगे के क्वेश्चन पूछूं, मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि इस वक्त जो भी हमारे ये लाइव सेशन देख रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछने में अगर आपको किसी तरह की कोई झिझक लग रही है या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आइडेंटिटी या उस चीज को लेकर कोई आपको इश्यू है, प्लीज हमारी कम्युनिटी पे जाके एनोनिमसली भी पोस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं। तो झिझक मत दिखाइए, ये क्वेश्चंस पूछिए, बहुत जरूरी है, प्लीज हमारी कम्युनिटी पे जाइए famhealth.in/community पे जाके एनोनिमसली अपने क्वेश्चंस पोस्ट करिए, हमारी टीम हमें वो क्वेश्चंस देगी और वो क्वेश्चंस हम सर से पूछेंगे। बट प्लीज सर बार बार नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो सर का टाइम बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो मैं आगे अपने क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ सर, एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिफोर स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप, इन्होंने ऐड कर दिया है उसमें। देखिए, रिलेशनशिप स्टार्ट करने के पहले क्या समस्या होती है, तो रिलेशनशिप पहले करने के तो पहले आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या नहीं है, जब तक कि एक आदमी रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। जब वो रिलेशनशिप में रहेगा और तब उसको ये समझ में आएगा कि सेक्स क्या होता है, इस बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि ये पहली बार मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ। सेक्स की जो है वो चार स्टेजेस होती है, और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि सेक्स जो है वो दो पार्टनर के बीच में होता है, एक अकेला पार्टनर सेक्स नहीं कर सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसमें ये आती है कि जो हमारी चार स्टेज होती है, पहले आदमी को वो समझना चाहिए। पहली स्टेज होती है डिजायर या इच्छा, तो कोई भी जो रिलेशनशिप में जिसके साथ आप हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो पहले एक दोनों की इच्छा होना चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए जी। सेकेंड स्टेज आती है हमारी फोरप्ले की, फोर प्ले में जैसे है किसिंग है, हगिंग है, टचिंग ऑफ दी बॉडी है, इससे क्या होता है फिर स्टिमुलेशन मिलता है, और जब ये स्टिमुलेशन मिलता है तो फिर इरेक्शन आता है जी। और इरेक्शन आने के बाद फिर जो है वो फाइनली जो है जब जिसको हम इंट्रा वजाइनल पेनिट्रेशन कहते हैं वो हमारा एक्चुअल सेक्स होता है, और उस सेक्स की ड्यूरेशन भी जो है किताबों के हिसाब से है कि 1 मिनट से 5 मिनट की होती है,
और उसके बाद जो है कि इसमें जो पुरुष होते हैं उनको इजेकुलेशन हो जाएगा और जो महिलाएं होती है उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जी वी आर सेटिस्फाइड विद द सेक्स और एट द एंड ऑफ द बोथ द पार्टनर शुड आस्क ईच अदर आर दे सेटिस्फाइड और नॉट। हमारी डेफिनेशन ये है कि इफ बोथ द पार्टनर्स आर सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द सेक्स देन दैट इज वी कंसीडर एज ए नॉर्मल सेक्स। तो इसमें कोई ऐसा ड्यूरेशन या टाइम या ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है कि जी हमारा दो मिनट हुआ तो गड़बड़ हो गया या पांच मिनट हुआ तो गड़बड़ हो गया। ऐसे भी बहुत लोग हमारे पास समस्या लेके आते हैं, इसलिए मैं ये समझाना जरूरी समझता हूँ कि पहले तो आप समझिएगा प्रक्रिया को कि भाई हमें सेक्स करना है तो फ्री माइंड होना चाहिए, टेंशन फ्री माइंड होना चाहिए, अच्छी क्वाइट जगह होना चाहिए, काम हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो, जहाँ आप रिलैक्स हो सके और फिर अपना आराम से सेक्स करिए, तब आपका सेक्स अच्छा होगा। और नहीं तो फिर बीच में कोई ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, कुछ हो गया तो फिर आपका सेक्स भी बीच में बिगड़ जाएगा, तो फिर उसमें सेटिस्फेक्शन पार्टनर्स को नहीं होता है। सर क्योंकि आप यू ब्रॉट अ पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, हमारे पास मोस्टली विमेन फीमेल्स की तरफ से एक कंसर्न आ रहा था कि मोस्टली उनको ये जानना था कि, और मेल्स को भी ये जानना था कि अगर टाइम कम है, मान लीजिए 2-3 मिनट है या 4-5 मिनट का ऐसा उनका जो सेशन है उसमें फीमेल्स मोस्टली अनसेटिस्फाइड रही हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस थे कि मतलब एक टाइम जैसे आपने बताया कि 2-3 मिनट तक का किताबों के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन बहुत सी फीमेल्स का ये कंसर्न है कि उनको इतने टाइम में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो ये क्या कोई मेडिकल कंडीशन की तरफ इशारा करता है या नहीं? ये मेडिकल कंडीशन की तरफ इशारा नहीं करता है जी। देखिए ऐसा होता है कि जो जैसे मैंने शुरू में भी कहा है कि सेक्स इज बिटवीन टू पार्टनर, तो पहले तो ये है कि देयर हैज टू बी गुड अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति समझ होना चाहिए कि हम किसके साथ, आप अजनबी के साथ तो सेक्स नहीं कर सकते, यदि आप अजनबी से करने जाएंगे तो फिर तो वो उसका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में या सोसाइटी में ये सोचते हैं कि बस हमने जो इंट्रावेजाइनल पेनिट्रेशन कर लिया तो वो हमारा सेक्स हो गया, बाकी सब बेकार है। ये बात बिल्कुल गलत है। इट इज मोर, सेक्स इज मोर ऑफ ए रिलेशनशिप, इट इज मोर ऑफ ए अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टनर्स। एंड देन जैसे मैंने कहा कि पहले तो अच्छी डिजायर होनी चाहिए, डिजायर है तो दोनों का मन होना चाहिए जी। फिर उसके बाद फोर प्ले है ना, फोर प्ले का जो ड्यूरेशन है वो कोई लिमिटेड नहीं है, दैट कैन बी एनी टाइम एक्चुअली, हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई टाइम नहीं होता है उसका। और सम टाइम इट गिव्स यू मोर प्लेजर टू हैव मोर फोर प्ले, मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड देन कम्स द एक्चुअल सेक्स, एक्चुअली जो इंट्रावेजाइनल पेनिट्रेशन कहते हैं जी। जो मैंने कहा अभी कि दोनों पार्टनर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, आई एग्री कि भाई यदि फीमेल कहती है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो देन मैन हैज टू टेक मोर केयर इन सच ए वे कि ही शुड हैव टू मोर फोर प्ले, सो दैट लेडीज का जो ऑर्गेज्म आता है वो थोड़ा देर से आता है और उसके लिए उनका स्टिमुलेशन होना भी बहुत जरूरी होता है। जब उनका प्रॉपर स्टिमुलेशन होगा तो फिर वो जो है उनका ड्यूरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑनली थिंग इज दैट दे हैव टू बी सेटिस्फाइड। अब इस शो में हम इससे ज्यादा नहीं बात कर सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं सर, मैं एक चीज मुझे लेकिन ये है कि हाँ नहीं है, फिर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है फिर वो हम एनालाइज करते हैं जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और फिर एनालाइज करने के हिसाब से फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट सर व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट दिस सेशन के मोस्टली हमारे जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जितना आप डिटेल में बता रहे हैं चीजों को, वो हमें हैरानी हो रही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ सम अप कर दे रहा है, विच इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमें लगा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, वक्त कम है तो हम कैसे कवर करेंगे। इससे पहले हम और आगे बढ़े, एक सर और क्वेश्चन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो बहुत लोगों ने पूछा था कि कैन स्मोकिंग एंड एल्कोहल, द प्रैक्टिस ऑफ एल्कोहल कैन कॉज द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देखिए अब जब हमने ये शुरू कर रहे हैं कि किस कारण से होते हैं तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सेक्स को एक जमाने में टैबू माना जाता था जी जी, फिर लोग समझते थे ये साइकोलॉजिकल इशू है, मतलब ब्रेन से कनेक्टेड है, ये सब बिल्कुल गलत। 25-30 साल पहले जब लोगों को समझ नहीं थी तब ये समझा जाता था जी, अब वो वाली बात नहीं है। अब क्या है कि सारी जो कंडीशन है ये सेक्स की, इसको हम लोग जो है इट इज ए वेस्कुलर डिसऑर्डर। जैसे हमारी हार्ट की आर्टरी है, तो साइज ऑफ दी आर्टरी टू दी हार्ट इज स्मॉल, इज बिगर देन दी साइज ऑफ दी फिनाइल आर्टरी। अब जो एथेरोस्क्लेरोसिस का नाम सुना हो आप लोगों ने, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स को चोक हो जाना या ब्लॉक हो जाना, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक उसको रोकते हैं,
ब्लड का फ्लो रोकते हैं। okay. जब वो हार्ट में होता है तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं, जब ब्रेन में जाता है तो उसको ब्रेन अटैक कहते हैं जी। और वैसे ही अब हम लोग ये पेनाइल अटैक है कि भाई यदि आपका फ्लो कम हो गया है तो फिर आपका इरेक्शन कम हो जाएगा। okay. अब इसके कारण क्या क्या है? डायबिटीज एक सबसे बहुत कॉमन कारण। okay. तो डायबिटीज जिनको होती है, अधिकतर लोगों को अल्टीमेटली जाके सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होता है, क्योंकि डायबिटीज में जो एथेरोस्क्लेरोसिस के इंसिडेंस बढ़ते हैं तो उससे फिर इनको नैरो होता है और उसमें उनका इरेक्शन जो है वो पुअर हो जाता है। उसके बाद आता है हाइपरटेंशन, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है और जिनको हाइपर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है और उससे भी जो है एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड थिंग होती है हाइपोगोनेडिज्म, मतलब जिसको हार्मोन लेवल कम होगा तो उनको भी फिर इरेक्शन कम होता है। तो इस प्रकार से फिर बाद में आपने जो आप सवाल किया है स्मोकिंग, स्मोकिंग भी आप देखिए रिलेटेड है एथेरोस्क्लेरोसिस से जी। जो स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट अटैक ज्यादा होता है और हार्ट अटैक से बच गए तो फिर ये दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो स्मोकिंग ऑल्सो गिव राइज टू द सेम प्रोसेस इज सेम अल्टीमेटली एथेरोस्क्लेरोसिस दैट विल गिव राइज टू पुअर फ्लो टू द पेनिस एंड पुअर इरेक्शन। तो स्मोकिंग इज नॉट गुड, दैट इज वन थिंग इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द अल्कोहल, अब ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि अल्कोहल से बेटर होता है या नहीं होता है। अल्कोहल यदि स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे एक पैक के एग्जांपल में कोई लेता है या उसकी हैबिट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेने से अच्छा हो जाएगा सेहत, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट यदि कोई ज्यादा अमाउंट लेता है अल्कोहल का तो वो उसके ब्रेन को इफेक्ट करता है और फिर ब्रेन को इफेक्ट करने के बाद फिर उसका जो है इरेक्शन पुअर हो जाता है, फिर वो कर ही नहीं पाएगा। तो अल्कोहल अधिक मात्रा में हार्मफुल है और वो भी हम रिकमेंड नहीं करते। ओके सर, ये तो मोटे मोटे तौर पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो किसी को बहुत ज्यादा पर्सनली शायद अफेक्ट नहीं कर रहे थे। एक क्वेश्चन आया है जो बहुत पर्सनली किसी को अफेक्ट किया है, शायद उसमें लिखा है कि माय फियांसे हैज हैड इरेक्टाइल डिसफंक्शन फॉर 3 इयर्स, कैन यू गिव मी सम एडवाइस। ये शायद उन्होंने जनरल तौर पर पूछ लिया है बट ये किसी का पर्सनल इशू है। ये सवाल थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि फियांसी को प्रॉब्लम है या आदमी को प्रॉब्लम। ये शायद इन्होंने लिखा है कि माय फियांसी। देखिए जो फीमेल की प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी अलग होती है और उसके लिए तो फिर डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है कि कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं है जी। गायनेकोलॉजिस्ट से कहा जाता है कि भाई एक बार उनको एग्जामिन करा ले, वो देख रहे कि कोई लोकल इन्फेक्शन या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो उनको नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सेक्स के टाइम पेन होने के चांस होते हैं जिससे कि उनका मूड खत्म हो जाता है। और दूसरी बात है कि जैसे मैन में इरेक्शन होता है उसी तरीके से फीमेल्स में भी या लेडीज में भी एक क्लिटोरिस होता है जो कि रूडिमेंट्री ऑर्गन, एक नॉब के माफिक नोड्यूल होता है जो वेजाइना के ऊपर होता है और उसमें भी सेंसेशन आते हैं। जैसे मैन को पेनिस में सेंसेशन आते हैं, लेडीज को क्लिटोरिस में सेंसेशन आते हैं और जिस समय सेक्स लोग करते हैं तो ये स्टिमुलेशन होता है क्लिटोरिस का। तो यदि, और एक जी पॉइंट भी होता है जो क्लिटोरिस के थोड़ा नीचे होता है, इसका कोई फिक्स ऐसी कोई जगह नहीं है कि इस जगह पे सेक्स करने से या इस जगह पे टच करने से फीमेल्स को स्टिमुलेशन मिलेगा। तो ये जो मैंने जो बात बताई है जी पॉइंट वाली भी, तो ये तो जब तक हस्बैंड वाइफ आपस में जब कई बार मिलते रहते हैं तो हर बार सेक्स करने के बाद उनको खुद समझ में आ जाता है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, फिर लेडीज खुद रिक्वेस्ट करेंगी कि जी आप हमको ऐसे करिए जिसमें कि हमको स्टिमुलेशन मिले और फिर वो उनका जो है सेटिस्फेक्शन की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। जैसे आम भाषा में वो जी स्पॉट, जी स्पॉट जिसको कहा जाता है जी, तो वो कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप इस पॉइंट को बता दीजिए वहां पे हो जाएगा, नहीं होता है। तो मैंने जैसे शुरू में कहा हुआ है कि इट इज लाइक ए डेवलपमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्सन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पर्सन, देन दे कैन डू ए मच बेटर सेक्स। जैसे कहते हैं ना कि केमिस्ट्री हो जाती है हीरो हीरोइन की फिल्मों में, तो वैसे ही एक इशारे से काम हो जाता है, तो इसी हिसाब से फिर ये सेक्स की भी बात होती है और इसको समझना बहुत जरूरी होता है। सर आई एम रियली ग्लैड कि आप इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। एक क्वेश्चन और है सर इसी ही लाइन में कि इज हैविंग सेक्स टू ऑफन बैड। अब टू ऑफन की उन्होंने वो नहीं आप एक्सप्लेन किया बट टू ऑफन इज टू ऑफन। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, टू ऑफन ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है जो लोगों को नहीं पता होता है कि कितने बार सेक्स करना है, कैसे कितने एक दिन में करना है, रात में करना है, सुबह करना है,
शाम को करना है, ये सब बातें सब ऐसा कुछ नहीं है। जब जिसका मूड हो वो उस समय सेक्स करता है। दूसरी बात कि जैसे मैंने कहा कि डिजायर होना चाहिए पहले जी, तो फिर जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप होती है उसमें उनको समझ में आ जाता है कि भाई चलो हमने आज अच्छा कहीं घूमने गए, कहीं हमने टीवी में कुछ देखा, कुछ फिल्म देखी और अच्छा खाना खाया, तो मूड हो गया कि चलिए हम आज सेक्स करेंगे। इस तरीके से वो अपना एडजस्ट खुद कर लेते हैं। और जो यंग जनरेशन रहती है, जैसे मैंने शुरू में सबसे पहले कहा था कि जैसे जैसे एज आदमी की बढ़ती है सेक्स की फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाती है जी। तो शुरू शुरू में जब रहते हैं यंगस्टर्स 20 साल और 30 साल की एज में वो नाइट में एक बार दो बार तीन बार भी सेक्स कर सकते हैं, लेकिन 40 साल वाला ऐसा नहीं कर पाएगा, उनकी फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फिर वो हफ्ते में एक बार करेंगे, फिर 50 वाला होगा तो हफ्ते में दो बार करेंगे। इस तरीके से हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप एडजस्ट हो जाती है और कोई फिक्स्ड फॉर्मूला इसका नहीं है, जब अच्छा लगे तब कर सकते हैं। एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि जो अर्ली मॉर्निंग में जो हमारा मेल पुरुषों का सेक्सुअल हार्मोन लेवल जो है वो सबसे ज्यादा होता है मॉर्निंग आवर्स में, तो कई बार ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि यदि रात को नहीं कर पाए, रोज लोग बाग अपने ऑफिस से आते हैं थक जाते हैं, इच्छा नहीं होती है, नहीं सेक्स करते हैं, सो जाते हैं, कोई बात नहीं है, यदि आपकी नींद खुलती है सवेरे और हॉलीडे है आप सुबह रिलैक्स कर सकते हैं तो फिर आप सेक्स कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया है शुरू में भी कि सेक्स इज लाइक एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई इमीडिएटली आफ्टर द सेक्स एवरीबॉडी लाइक टू रिलैक्स और फिर वो धीरे धीरे दो तीन घंटे में जाके बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। सर हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस एक्टिविटी इस पर्टिकुलर थिंग लाइक सेक्स, एक बॉडी के नीड की तरह अगर देखा जाए तो आप उसे किस लेवल पे प्रायोरिटाइज करा जाता है? देखिए नीड तो सबसे पहले तो वही जो है ना, रोटी कपड़ा मकान। जी जी, तो पहले तो रोटी कपड़ा मकान जिसके पास है उसके बाद ही फिर वो सेक्स की उसको आती है। और फिर अब मैं और नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आदमी का फिर और एंटरटेनमेंट के क्या तरीके हैं उसके पास, रिक्रिएशन करने के, एंड दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ रिक्रिएशन एक्चुअली। सो इट इज ए मैटर ऑफ फैक्ट की जो जैसी जिसकी रिलेशनशिप होगी, हम तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रिलेशनशिप में देते हैं। यदि अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी रिलेशनशिप है, तो हमेशा सेक्स बेटर होगा। ओके सर, तो जितना आज जैसे अब क्योंकि जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है काम का, तो जो आज से अगर हम लोग इफ यू रोल आवर क्लॉक्स बैक 20 साल पहले से लेकर अब तक में, क्या इन चीजों में सेक्सुअल इश्यूज में बढ़ोतरी हुई है या इन एक्टिविटीज की तरफ एक तरह का डिसइंटरेस्ट पाया गया है, आपके हिसाब से ऐसा कुछ हुआ है? इसमें बहुत सारे फैक्टर आ गए जी। जब आपने कहा 20-30 साल पहले और अभी जी, अब क्या हो गया है कि नाउ वी हैव ऑल एजुकेटेड चिल्ड्रन आर देयर, दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हैव गॉट देयर जॉब, सो अब वो क्या सोचने लग गए हैं कि भाई जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट। उसमें क्या होता है कि जैसे पहले के जमाने में होता था कि 9 o'clock to 5 o'clock जॉब है, 5 बजे घर आ गए, रिलैक्स कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे, और फिर कुछ है नहीं तो अपना अपना मजे से सेक्स भी कर रहे हैं, टेंशन ज्यादा नहीं थी, कुछ नहीं था, ज्यादा डिमांड नहीं थी, ज्यादा नीड नहीं थी। अब क्या हो गया है कि एक तो ये वर्किंग आवर्स बदल चुके हैं, अब वो ये सब क्राइटेरिया खत्म हो गया है, कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई डे शिफ्ट कर रहा है, कोई 11 बजे रात को घर आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, तो ये सब इसने थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस तो सबको बढ़ ही गया जी। इसीलिए क्या होता है लोग ऑफ कर लेते हैं, तो कहते हैं यार आज हमारा मूड नहीं है, मूड नहीं है, वाइफ रिक्वेस्ट भी करती रहती है, कहते हैं मूड नहीं है कि नहीं करना है, मैं थक गया हूँ, ऐसे कई लोग हमारे पास आते हैं जो ये शिकायत लेके आते हैं, और फिर उनको यही है रहता है कि भाई आज आपका मूड नहीं है, लेकिन जब मूड है या फिर अपना जो वर्किंग स्टाइल है उसको कुछ ऐसा चेंज करिए कि आप घर की बातें घर में रखिए और ऑफिस की बात ऑफिस में रखिए, जब घर आए तो स्विच ओवर एंड रिलैक्स एंड देन एंजॉय विथ योर फैमिली। तो अब जब तक ये थोड़ा सा पैटर्न है, इसीलिए आजकल जो है जो समस्या बढ़ती जा रही है, अब लेडीज का भी जहां तक सवाल है कि पहले के जमाने में तो जैसा हो रहा है हो रहा है, दे ऑल्सो नेवर वॉन्टेड टू टेल एनीबडी, बट नाउ दे आर वेरी फ्रेंक, दे ऑब्वियसली कम एंड कंप्लेंट कि भाई ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। और हम लोग भी जब पेशेंट देखते हैं तो हम भी चाहते हैं कि कपल साथ में आए, तो हम लोग उनसे दोनों से इंटरव्यू करते हैं, दोनों से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम है, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, समटाइम लेडीज टेल अस
in a better way. जी. So what I'm saying is again coming back to the same question कि anxiety, tension ये सब को sex को कम करती है, इसमें तो कोई doubt है ही नहीं. और relaxation is very important in life. Even for your good health you need relaxation. जी. तो जो morning में आप अपना walk पे जाइए, exercise करिए, yoga करिए, pranayam करिए. If you have a good health you will have good sex. That is the mantra which I want to give. सर क्योंकि आप बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बोल रहे थे कि बिकॉज ऑफ द वर्क स्टाइल एंड टाइम जो है लोगों का बहुत कम रह गया हर चीज के लिए, और आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था देयर आर फोर स्टेजेस टू सेक्स व्हिच इज डिजायर फोरप्ले इरेक्शन देन इंटरकोर्स, बट फोरप्ले इज समथिंग व्हिच ऑफ कोर्स नीड्स सम गुड टाइम, और आज की फास्ट पेस लाइफ में शायद लोग हो सकता है मे बी इस पॉइंट को बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से भी इश्यूज आ रहे हैं क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, बात तो वही जो मैंने कहा ना कि नॉर्मली जो साइकिल होती है सेक्स की जी, इट कैन गो रफली जो हमारी अगेन जो स्टडीज हुई हैं लिटरेचर के हिसाब से कम इफ समबडी वांट टू डू हैव अ गुड सेक्स दैट विल नीड अबाउट 1 आवर टाइम एक्चुअली जी, दैट कंटेन्स ऑल द फोर स्टेजेस, आई एम नॉट सेइंग वन पार्ट और अदर पार्ट जी जी जी, सो अनटिल अनलेस यू हैव दैट काइंड ऑफ रिलैक्स माइंड फॉर 1 आवर यू कैन नॉट एंजॉय योर सेक्स. और वही सवाल फिर आ जाता है कि भाई आपको नॉर्मली लोग रात को क्यों करते हैं सेक्स, ये भी एक रीजन होता है कि भाई आपने रिलैक्स हो गए हैं, काम खत्म हो गया है, घर में कोई फिर उस समय आपने कमरा बंद कर लिया है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप अपना सेक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे, सो जाएंगे, सुबह फ्रेश उठेंगे, अपने काम पे चले जाएंगे जी. यदि आप सुबह ही करते हैं सेक्स तो फिर नेचुरली यू नीड सम रेस्ट, तो फिर उसमें डिले हो जाता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अल्टीमेटली यू नो रिलैक्सेशन sex should be considered as a part of life ji, it should be more for a relaxation purpose for enjoyment purpose, not for harassing anybody or punishing anybody. Sir after this very important and descriptive sir ki jo definitions thi aur sir ki jo explanations the uske baad main ek bar aap sabse phir se keh dena chahta hu ki अगर आप अपनी आइडेंटिटी या अपने उसको प्रिवेसी को लेके थोड़ा सा भी संकोच में है या किसी भी तरह के किसी सोच में है तो आप बिल्कुल मत झिझकिए, हमारी कम्युनिटी पर जाकर अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं कर सकते हैं, वहाँ पर वील टेक केयर ऑफ योर आइडेंटिटी और अपना एनोनिमस करके वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करिए, हमारी टीम हमको वो क्वेश्चन देगी और हम सर से पूछेंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली सेशन हम लोग जो कर रहे हैं, दिस इज ऑन सेक्सुअल हेल्थ और 6 से 7 के बीच तक ही रहेगा. सर कमिंग बैक टू दी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आई गेस हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन इसका है बिकॉज है तो और भी बहुत सारे लेकिन आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया. डज वेट कंट्रीब्यूट टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एक कंसर्न्ड कम्युनिटी मेंबर हमारे पूछ रहे हैं. देखिए जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनके साथ ही ओबेसिटी चलती है. जो आदमी ओबीस होगा उनको डायबिटीज के ज्यादा चांस होते हैं, उनको हाइपरटेंशन के चांस होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है. तो यस द रिप्लाई, यदि किसी कोई ओबीस है तो ऑब्वियसली है कि उसको, और उसमें फिर जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी थोड़ा लो होता है तो इस सब चीजों का कंट्रीब्यूशन करेंगे इकट्ठा तो उसको भी फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है. तो सबसे बढ़िया अच्छा स्वास्थ्य जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ तो वो उसके लिए जरूरी है कि उनको अपना वेट भी रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि सर वो वेट जो है वो स्ट्रेट अवे कहीं ना कहीं ओबेसिटी से भी आपने बताया था कनेक्ट हो रहा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है सर जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बट हम लोगों ने वो कॉमन करके लिख लिया है. देयर आर पीपल हु आर कंसर्न्ड अबाउट द ओरल सेक्स एंड वो कह रहे हैं कि भाई ओरल सेक्स ये सिर्फ इसीलिए तो नहीं है क्योंकि ये एक तरीके से मैसेज पास ऑन हुआ है ड्यू टू पोर्नोग्राफी या इस तरह की चीजों से, या ये भी एक पार्ट है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है अगर है तो? देखिए जहां तक ओरल सेक्स की बात है तो जो मैंने कहा था कि एक फोर प्ले होता है जी, तो फोर प्ले के अंदर यही ये ओरल सेक्स आता है. ओरल सेक्स को अब मैं पता नहीं सोशल मीडिया में हम कुछ कह सकते हैं जी, हाँ, जी, हाँ, अंडरस्टैंड. लेकिन वो है कि भाई प्लेइंग विद द जेनिटल्स विद द योर फिंगर विद द फिंगर और विद द टंग दैट इज कॉल्ड ओरल सेक्स, नथिंग एल्स एक्चुअली. और ये भी एक प्रकार से नेचुरल प्रक्रिया है, कुछ लोगों को इसमें बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट होता है और लोग करते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई शर्म और गिला भी नहीं है इसमें. दोस हु कैन एंजॉय, दोस हु कैन डू इट दे शुड डू इट, दोस हु कैन नॉट इट इज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो, इट इज नॉट नेसेसरी आल्सो. सो इट इज लाइक ए बैलेंस एक्ट. एंड जैसे मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इट्स ए
between the mutual understanding of the two persons and how they want to enjoy. You enjoy your life. That's all. Sir, iske baad ek question hamare paas hai. Some concerned person has asked about the length of their penis, the length of their penile organ. Unko lag raha hai ki the question basically which he wanted to ask is ki matlab ye kitna length hone chahiye. Ye bahut bada common concern hai. Ji. क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आपस में यदि जब नहाते वहाते हैं कभी एक दूसरे का पेनिस देखते होंगे, नहीं तो कभी नहीं देखते हैं. इससे प्राइवेट ऑर्गन तो हर आदमी को अपना ही पेनिस दिखता है और जिसको दिखता है वो समझता है मेरा छोटा है. ये एक बहुत कॉमन समस्या है जी. अब मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू योर जेनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू योर रेस एंड the size of the penis is determined by the God actually. You know. We cannot change the size of the penis. Those who have some problem or disease, for them we can do some penile lengthening. But for a normal penis, it is not advisable to increase the size of the penis. जब भी हमारे पास patient आता है, तो इसको भी एक चीज आप समझ दीजिए कि size दो तरीके से होती है. एक तो होती है कि normal size of the penis और एक होती है जब erection के बाद क्या size होती है. तो ऑब्वियसली है इरेक्शन के बाद साइज पेनिस की बढ़ जाती है. अब किसी की कम बढ़ती है, किसी की ज्यादा बढ़ती है, ये एक अलग मामला होता है. अब जो है कि साइज हैज नथिंग टू डू विद द सेक्सुअल प्लेजर ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ एज वेल एज हिज पार्टनर. तो ये कुछ नहीं है कि जिसका छोटा पेनिस है वो एंजॉय नहीं कर सकते, जिसका बड़ा पेनिस है वो ज्यादा एंजॉय कर रहा होगा. ये बात भी दिमाग में एक मिथ जरूर है सबके. और ये ऐसे बहुत पेशेंट हम लोग के पास सवाल लेके आते हैं कि भाई हमारा पेनिस छोटा है, इसको बड़ा कर दीजिए. और हम लोग साफ कहते हैं कि भाई हम इसको, यदि आपके पेनिस का इरेक्शन पुअर है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन साइज हम पेनिस की नहीं बदल सकते हैं. कुछ ऑपरेशन होते हैं लेकिन वो जब डिजीज कुछ होती है तब करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में हम नहीं एडवाइज करते. हाँ, क्योंकि सर ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मतलब बहुत से लोग एक तरह के मेंटल उसमें है स्टेट में कि शायद उनके साथ. हम लोगों ने ICMR के साथ एक स्टडी भी की हुई है. एक सवाल आया था बीच में कि जो हमारे कंडोम बनते हैं हिंदुस्तान में, और कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि ये कंडोम की साइज ऐसी रहती है कि वो स्लिप कर जाते हैं. अब वो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कंडोम की साइज वो बना रहे थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, वो इंडियन वाले स्टैंडर्ड से नहीं बना रहे थे. So then we conducted a study in All India Institute of Medical Science where we measured the size of the normal person sexually, and we have then analyzed the data and we have given the results. So what I am trying to say is that the size of the penis is variable in person to person, and the basic factors are the genetic, their body built also, koi jyada lamba hai ya kaisa hai, aur unke genetics mein kaise chal rahe hai, aur kis region ke hai, kis area ke hai, kis continent ke hai, उसमें भी साइज का फर्क पड़ता है. थैंक यू सर. ये बहुत लोगों की तरफ से मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोगों का कंसंट्रेशन सिर्फ इसी तरफ होगा कि एक बार हम लोग ये क्वेश्चन उठाए. एक बार मैं आपसे फिर से कह दूं कि आप जो इस वक्त फैमिली लाइफ सेशन देख रहे हैं वो डॉक्टर एनपी गुप्ता के साथ देख रहे हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल इश्यूज के बारे में. आप अपने किसी भी तरह के क्वेश्चन को हमारी कम्युनिटी पर जाकर पोस्ट कर सकते हैं. अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर कंसर्न है तो हम आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेंगे. एनॉनिमसली पोस्ट करिए और आपके क्वेश्चंस हमारी टीम हम तक पहुंचाएगी. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है सर, वो एक मेल की तरफ से है और ऐसे करीब दो तीन क्वेश्चन थे तो हमने यहाँ पे लिखा उसको लिस्ट में कि व्हाई डू मेन एक्सपीरियंस पेन इन द पेनिस पोस्ट सेक्स, या व्हाई डू दे फील ऐसा नहीं है कि यदि किसी के यूरिथ्रा में कुछ इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो तो उन लोगों को पेन हो सकता है. अदरवाइज जो नॉर्मल सेक्स जो लोग करते हैं उसमें यूजुअली पेन नहीं होता है. तो अब इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है तो जांच होनी चाहिए, और यदि कोई रीजन मिलता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी होता है. एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो जो सेक्स है इट्स लाइक एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज फॉर द पेनिस आल्सो. तो यदि किसी का लॉन्ग ड्यूरेशन सेक्स चलता है तो उनको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है पेनिस में, अदरवाइज फिर ऐसे नहीं होता है. ओके सर, इस बीच हमारे पास कुछ लाइव भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी हम एक बार सर एंटरटेन कर लेते हैं. ये
हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो एनोनिमसली पोस्ट कर रहे हैं. समवन हैज आस्क्ड व्हाई डज द डिजायर डिक्रीज विद एज एंड आर देयर एनी फूड्स व्हिच कैन हेल्प इन देयर इरेक्टाइल डिसफंक्शन. ये इनका अच्छा सवाल है. एक जैसे मैंने शुरू में ही कहा है कि सेक्स की चार स्टेज होती है, तो पहली जो स्टेज है वो डिजायर है जी. नाउ डिजायर डिपेंड्स अपॉन द मेल हार्मोन लेवल इन द बॉडी, जो कि सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है. जैसे मैंने और भी कहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हार्मोन का लेवल भी थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है. ओके. तो यदि किसी की डिजायर कम है तो सबसे पहले हम ये मेल का टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है हम उसको चेक करते हैं जी. और यदि उसमें कुछ कमी पाई जाती है तो हम फिर उसका करेक्शन भी करते हैं, और उसके करेक्शन करने से जो डिजायर है वो इम्प्रूव हो सकती है. तो जो डिजायर डिपेंड्स अपॉन द मेल हार्मोन लेवल एंड दैट कैन सर्टेनली इम्प्रूव द डिजायर स्टेटस एज वेल एज ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेक्स. ओके. इस बीच उन्होंने फूड्स के बारे में भी बात करी थी कि अब फूड का देखिए ऐसा है कि नॉर्मल जो नॉर्मल डाइट हम लोग खाते हैं उसमें तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना तो डे टू डे फूड में कोई सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेंज हो जाएगा. हाँ, जो बातें हुई है कि स्मोकिंग ज्यादा करेंगे, अल्कोहल ज्यादा लेंगे, तो उसमें तो जरूर सेक्स पर डाउन हो जाता है. ओबेसिटी की बात हुई थी, जिनका जो ज्यादा ओबीस होते हैं उनमें भी सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा लो रहता है. हाँ, इसके अलावा एक चीज, अब ये पॉइंट उठ गया है टेस्टोस्टेरोन का, तो मेरे को बताना ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो यंग जनरेशन के लोग जिम में जाते हैं जी, वो अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए जिम में जाते हैं, और वहां पर इनको कुछ सप्लीमेंट फूड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जी. उसमें से कुछ हार्मोन भी होता है. तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि कुछ हमारी जो हार्मोन्स है, ये मेल के हार्मोन्स है, यदि वो लेते हैं बॉडी की मसल्स वगैरह बनाने के लिए, और उससे फिर उनका जो है वो अल्टीमेटली इट डिप्रेसेस द प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन टेस्टोस्टेरोन, तो ये उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है. अच्छा अच्छा. इसलिए हम लोगों ने वैसे बहुत मरीज देखे हैं, हम पहले ही उनको हिस्ट्री में पूछते हैं कि क्या आप कुछ ले रहे हैं, कोई ड्रग्स ले रहे हैं. कुछ ड्रग्स भी होती हैं जिनसे हार्मोन लेवल डाउन होता है जी. हाँ जी. और ये कोई फूड सप्लीमेंट होते हैं जो बॉडी बिल्डर वगैरह लेते हैं, उससे भी सेक्स डाउन होता है. तो इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. ओके. हाँ, क्योंकि आपने दवाओं की बात कर दी, तो एक क्वेश्चन उसका भी आया हुआ था कि क्या दवाओं से, या मान लीजिए कोई और मेडिकल कंडीशन है, उसकी कोई ऐसी दवाएं हैं जिसकी वजह से जो है सेक्सुअल इश्यूज अराइज हो सकते हैं? नहीं, देखिए बहुत सारी दवाएं हैं जिनको लेने से सेक्स डाउन हो जाता है. अब जैसे एक तो अभी डिजायर की बात हुई है, अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात कर लेते हैं जी जी जी. अब वैसे हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर की बीमारी एक बहुत कॉमन होती है, और ब्लड प्रेशर के लिए एक दवा दी जाती है बीटा ब्लॉकर. ओके. और वो इट इज ए नोन फैक्ट दैट जो बीटा ब्लॉकर ले रहे होंगे उनका जो है सेक्स डाउन हो जाता है. ओके. और वैसे ही कुछ है, और भी ड्रग्स की एक लंबी लिस्ट है, और उसमें जैसे एक हार्मोनल प्रिपरेशन हमने बात की है, उसमें कोई डायबिटिक वगैरह लिए जाते हैं, और ये ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन है, और एक जो साइकेट्रिक की ड्रग्स होती है, इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है. तो हमें, हम लोग हमेशा ये सब चेक करते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं कि कोई ड्रग ले तो नहीं रहा है और ड्रग का इफेक्ट हो सकता है. सर, थैंक यू सो मच. आई एम श्योर ये जो क्वेश्चंस हमारे जिस भी कम्युनिटी मेंबर ने पूछे होंगे या जिन्होंने भी पूछे होंगे उनको इसका आंसर मिला होगा. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप मिस मत करिए, प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट इट. आई मीन जितना अगर हम लोग इसको छुपाएंगे तो वो टैबू हमेशा रहेगा, कई एजेस तक रहेगा. सर, एक क्वेश्चन और नीचे है यहाँ पे. समवन इज आस्किंग, आई एम 26 ईयर ओल्ड एंड माय प्रॉब्लम इज नाइटफॉल. उनको शायद एवरी फोर्थ या सेवेंथ डे पे नाइटफॉल का इशू है. प्लीज टेल मी सम मेडिसिन. देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही एक बात कह चुका हूँ कि 17-18 साल के बाद नाइटफॉल का होना तो एक सामान्य प्रक्रिया है, और इनको यदि 4 दिनों में या 7 दिनों में एक बार नाइट फॉल हो रहा है, तो मैं तो 26 वर्ष की उम्र है, और यदि ये सेक्सुअली नहीं एक्टिव है, हमने इन्होंने नहीं बताया कि ये शादीशुदा है या नहीं है, तब तो फिर ये नाइट फॉल एक प्रकार से नॉर्मल प्रक्रिया है, इसके लिए कोई दवा नहीं होती. ओके. ओके. और लेना भी नहीं चाहिए, अननेसेसरी दवा लेने से कोई फायदा नहीं. ओके. सो इस बीच सर, जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तो एक क्वेश्चन मुझे एक दिमाग में आ रहा है. सर, कुछ टाइम पहले आई सॉ डॉक्यूमेंट्री अबाउट दिस वुमन, जिसके साथ एक इशू था कि
after every hour or after every half an hour, she was feeling an orgasm. No, even if she was not doing anything, reading a book or like cooking or daily activities, में उनको एक issue था. उस documentary में था कि भाई वो बहुत rare cases में से एक होता है. तो ऐसा क्या है अगर ऐसा आपके नजर में कभी आया हो तो? नहीं, ऐसा दोनों तरफ हमने देखा है. कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो वो कहते रहते हैं कि ये हर थोड़ी देर के बाद मेरा इरेक्शन हो रहा है और हमें परेशान करता है. ओके. अब वो क्या है कि नोइंगली और अननोइंगली उनके माइंड में कोई प्रक्रिया चल रही है, कोई माइंड में थॉट आ रहे हैं, कोई इंप्रेशन आ रहे हैं, कोई चीज वो सोचते हैं, उसी से फिर उनको स्टिमुलेशन मिलता है और उनका इरेक्शन हो सकता है. तो अब इसका कोई ऐसे नहीं है कि हम लोग कोई इलाज उसका करें. बस यही कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा डाइवर्ट योर माइंड, योगा प्राणायाम है जिसमें से आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहेगा, माइंड क्वाइट रहेगा और फिर उससे जो है ये समस्या कम हो सकती है या ठीक भी हो सकती है. ओके, थैंक यू सर. वो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो बहुत से लोगों ने पूछा. इसमें उन्होंने पूछा था कि इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स सेफ एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन. ये यहाँ पे जो है अनप्रोटेक्टेड को हम लोग प्रोटेक्टेड भी अगर कर दें तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान गेटिंग इनटू द प्रैक्टिस ऑफ इंटरकोर्स. देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जिसने भी ये पूछा है. और मेरी सलाह तो यही है, जिस समय मेंस्ट्रुएशन हो उस समय सेक्स नहीं करना चाहिए. उसकी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है. क्या होती है वो मैं बता देता हूँ. क्योंकि जिस समय मेंस्ट्रुएशन होता है और यदि कोई सेक्स करता है तो बाय द एक्ट ऑफ द सेक्स, द बिकॉज ऑफ द पुश, द मेंस्ट्रुअल का जो फ्लो होता है वो वापस यूट्रस में जाता है और यूट्रस में जाके वो फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकल जाता है, जिससे एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस जिसको कहा जाता है. तो लेडीज में एक कॉमन बहुत समस्या इस समय हो रही है और उसका एक कारण यही होता है कि जिन्होंने यदि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सेक्स किया हो, तो हमारी सलाह तो बिल्कुल ये है कि जिस समय 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उस बीच में बिल्कुल ही सेक्स अवॉइड करना चाहिए. आप बाहर फोरप्ले वगैरह कर लीजिए, वो एक बात अलग है, लेकिन इंट्रावेजाइनल पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ये मेरी सलाह है और ये बहुत अच्छा सवाल जिसने भी पूछा है. आई थिंक सो ये बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है और ये बात पता होना चाहिए. थैंक यू सो मच सर. ये जो है, जैसा कि आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न था सर, इसलिए अच्छा हुआ कि बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट इनसाइट. लोग क्या करते हैं सर, नॉर्मली किसी तरह का कोई इशू दिखा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर, 4-5 लिंक ऊपर वो इंटरनेट पे ढूंढ लेंगे और उसके वो मिला लेंगे कि भाई 4 में से 3 लिंक में एक बात कही गई है, तो हो सकता है यही होगा. नहीं, ये गलत है क्योंकि अब मैं ज्यादा इंटरनेट और गूगल के बारे में आप जानकारी जरूर लीजिएगा, लेकिन उसको अपने ऊपर फॉलो नहीं करिएगा. अपने ऊपर कुछ भी फॉलो करना है, चाहे वो किसी प्रकार की दवा लेनी है या मेडिसिन लेनी है या कुछ और प्रिकॉशंस लेनी है, तो बेटर है टू डिस्कस विद ए डॉक्टर. वन शुड नॉट हेजिटेट. जब जैसे कह रहे भाई कि जैसे मैंने कहा सेक्स भी नॉर्मल चीज है, तो सेक्स का भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. तो जैसे हम डायबिटीज के बारे में डिस्कशन करने में नहीं झिझकते हैं, हाइपरटेंशन के बारे में नहीं झिझकते हैं, तो सेक्स के बारे में क्यों परेशान होना, उसकी भी आप एडवाइस ले लीजिए. एक जो है सर, ये तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था सर, यहाँ पे हमने वो उसको पिन डाउन कर लिया है. इज इट नॉर्मल टू हैव डिफरेंटली साइज टेस्टिकल्स? ये बहुत लोगों का, जैसे अभी हम लोग पेनिस के साइज की बात कर रहे थे, वैसे ही है टेस्टिकल की साइज की बात. तो टेस्टिकल की साइज भी जो है अलग अलग जो है, हेरिडिटरी कहिए, जेनेटिक कहिए, या जो भी कम्युनिटी में कहिए, थोड़ा थोड़ा फर्क तो होती है जी. तो जो नॉर्मल टेस्टिस है वो तो उसमें 19-20 का यदि फर्क है तब तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. हाँ, लेकिन यदि किसी को कोई बहुत ज्यादा छोटी साइज की टेस्टिस है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं और फिर उसके लिए एक बार जरूर डॉक्टर से बात करनी चाहिए और वो एग्जामिन करके सब बता सकते हैं कि भाई कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है और हुआ क्यों है वो भी बता सकते हैं. सबसे बड़ी बात एक और होती है कि एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस. Okay. जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी दोनों टेस्टिस स्कोटम में रहना चाहिए. कुछ लोगों की नहीं आती है और वो बाद में आती है, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि साइज जो है वो छोटी हो सकती है. ओके. और एक टॉर्शन टेस्टिस होता है, एक बहुत कॉमन है कि कभी स्कोटम में दर्द हुआ तो वो नेग्लेक्ट कर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं है, फिर बाद में उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उससे टेस्टिस की साइज छोटी हो जाती है.
तो ये सब कारण है जिससे टेस्टिस की यदि बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब मोर देन 50%, देन वी आर थिंक दैट दिस इज अ प्रॉब्लम. ओके, एंड इज इट नेसेसरी दैट वन टेस्टिकल हैज और शुड बी ऑफ द एग्जैक्ट साइज ऑफ द अदर वन? नॉट नेसेसरी, थोड़ा 19-20 का फर्क तो होता ही है. ये इससे भी काफी लोग कंसर्न थे सर. यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू कॉन्डम्स, बट आई विल बी एडिंग अदर वन जो टॉय से रिलेटेड है. एक क्वेश्चन पूछा गया कि इज कॉन्डम अ रीजन फॉर वजाइनल प्रॉब्लम्स? देखिए, कॉन्डोम जो है वो आप लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत बहुत कंपनियां बना रही हैं. तो जो कॉन्डोम है वो क्या रबर से बनता है, लेटेक्स रबर के होते हैं जी, हाँ जी, हाँ. और वो एक प्रकार से केमिकल है. तो होता है किसी किसी को वो केमिकल की रिएक्शन या एलर्जी हो सकती है, और जिनको ये होता है उनसे फिर वो उनको जो सेक्स के बाद है उनको पेन है, बर्निंग है, जो ईचिंग है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो मैं मानता हूं कि किसी किसी को कंडोम से नुकसान होता है. ओके सर, इसके साथ में एक और क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं जोड़ने वाला था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो मार्केट में सेक्स टॉयज अवेलेबल हैं और अजीब 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 किस्म के, मतलब लोगों की क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पे काम कर रही है, तो वो जो सेक्स टॉयज मार्केट में अवेलेबल हैं वो क्या हार्मफुल हैं फॉर वुमेन एंड फॉर मेल एट द सेम टाइम? देखिए, इसमें तो एक बड़ा भारी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. अच्छा, क्योंकि अब ये सो सेक्स टॉयज की बात हो रही है, जो हम लोग वही वापस जाना चाहिए कि जो हम लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं जी, तो ये एक सेक्स एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए, और जो कि जो एडोलेसेंट की एज में आते हैं 12-13 साल के बाद, तो उनको थोड़ा बहुत तो बताना बहुत जरूरी होता है. अब देखिए, नॉर्मल साइज जो है वजाइना की, वो यदि रिलैक्सेशन के भी स्टेज में 5-6 इंच से ज्यादा नहीं होती है. यदि आप कोई भी बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट उससे बड़ा आप अननेसेसरली फोर्सफुल करके किसी को करेंगे कुछ गड़बड़, तो फिर तो आप जो सुनते रहते हैं रेप वगैरह में जैसे आजकल बहुत चल रहा है क्रुएल्टी, तो वो क्रुएल्टी कहलाती है एक्चुअली. लेकिन जो टॉयज जिस तरीके से बनाए गए हैं वो अब देखिए आपकी क्या है, आप क्या यूज करना चाहते हैं, देन डिपेंड्स अपॉन इन दैट एक्चुअली. तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो कहूंगा कि जहां तक हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है. और जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीज आपको कभी हार्म नहीं करेगी. ओके सर, जैसे हमारे पास इस वक्त सवाल और बातें तो बहुत सारी हैं, एंड आई एम रियली लविंग दिस सेशन. एक चीज हम मोटे तौर पे यहाँ पे ओपन रख रहे हैं टेबल पे, जिसको आप अपने राइटफुल तरीके से सीक्वेंस में लगाइएगा, क्योंकि यू नो बेटर. ये वायग्रा जो इस तरह की चीजें हैं मार्केट में फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स, आर दे फॉर फीमेल्स एज वेल, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज वायग्रा, व्हेन इट शुड बी यूज्ड, व्हेन इट शुड नॉट बी यूज्ड? देखिए, अब आज के शो में तो जितनी हमने अभी तक बात की है, हमने तो आपको एक प्रकार से सिर्फ जनरल नॉलेज दिया. जी जी जी. अभी हमने ट्रीटमेंट वगैरह की ज्यादा डिटेल में या इन्वेस्टिगेशन की तो बात की नहीं है जी, क्योंकि वो सब भी बहुत लंबे लंबे चैप्टर और हर इंडिविजुअल की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, उसके हिसाब से ही फिर जवाब दिया जा सकता है जी. तो आज तो जो मैंने सब बताई वो जनरल बातें हुई जी, हाँ जी, हाँ जी. अब जहां तक व्याघ्रा की कहानी है, हम कहानी इसलिए बोलते हैं कि व्याघ्रा has done a wonderful thing for our society. व्याघ्रा की जो जो मतलब कहिए कि जो यूज में आना शुरू हुआ है जी, या जब इसका इन्वेंशन हुआ है, ये अभी नया है 98 में. उसके पहले इस तरीके की हमारे पास कोई भी दवा नहीं होती थी जिससे हम इलाज कर सके. okay. जो पहली एक दवा आई थी वो व्याघ्रा आई थी. इसका बहुत मिसयूज भी हुआ है और इससे बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, बहुत डेथ भी हुई है. शुरू शुरू में जिसको याद हो उस समय न्यूज़पेपर में और ये सब बहुत कहानियां आई है व्याघ्रा की, हम उन सब बातों पे नहीं जाना चाहते हैं. हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जब लोगों को ये समझ में आया कि सेक्स की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जो हम बता रहे थे एथेरोस्क्लेरोसिस है, ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, तो व्याघ्रा एक इस तरीके, व्याघ्रा तो एक कंपनी का नाम है जो कि हम नहीं बोलना चाहते अपने मुंह से, और फास्फोडाइस्टरेस इनहिबिटर्स हम इनको बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन. अच्छा, 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 अच्छा. और ये इसकी बहुत सारी वैरायटीज भी अब आ गए हैं, इट इज नॉट ओनली वन टैबलेट. तो वन कंपनी हैज गिवन द नेम ऑफ व्याघ्रा, तो वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इन पर्टिकुलरली अबाउट व्याघ्रा, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल. तो वी हैव गॉट दीस फास्फोडाइस्टरेस इनहिबिटर्स, और ये कई टाइप के होते हैं, इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और उनके साइड इफेक्ट, ये सब चीजें अलग अलग होती है. तो वो तो जब हम डिटेल में कभी बात करते हैं तो फिर हम वो पेशेंट को समझाते हैं कि क्या उसको लेना चाहिए,
उसके नीड के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा है कि व्याघ्रा का, तो इसमें सिर्फ एक फायदा जो हुआ, जो मैंने कहा कि सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई, जब से व्याघ्रा आई है तो लोगों को एक बड़ी जागरूकता हो गई है कि इसका इलाज है, और वही एक कारण है कि अब सारे लोग आने लग गए इलाज के लिए, पूछने के लिए आने लग गए हैं, पहले नहीं आते थे। तो यही एक कंट्रीब्यूशन है व्याघ्रा की, लेकिन इसका मिसयूज भी है। तो हम तो वैसे कहते हैं ब्लाइंडली किसी को लेना नहीं चाहिए, और है तो फिर कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसका अपना इन्वेस्टिगेशन कराइए और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की बात होती है। ओके सर, ये काफी कुछ कवर अब कर गया व्याघ्रा के बारे में और इन चीजों के बारे में। एक और लास्ट क्वेश्चन है सर, जो इसी चीज से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। शायद मार्केट में आजकल लुब्रिकेंट्स अवेलेबल है विच आर फॉर आई गेस फीमेल एंड मेल्स आल्सो, आई गेस, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जो लुब्रिकेंट्स हैं वो कहाँ तक हेल्पफुल है और इनका कोई साइड इफेक्ट भी है? सबसे पहले तो इनका यूज क्या बहुत जरूरी है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। देखिए, अब एक बात ये भी समझना बहुत जरूरी हो गई है कि ये जो हम फोर प्ले की इतनी देर से आप लोगों से बात कर रहे थे, तो एक फोर प्ले का बड़ा भारी एडवांटेज है। जिस समय फोर प्ले होता है जी, उस समय खासकर लेडीज में वजाइना में वो सीक्रेशंस भी निकलते हैं जी। उससे क्या होता है, इट एक्ट लाइक लुब्रिकेंट, और वो उसमें फिर उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब क्या है कि यदि किसी को फोर प्ले नहीं करेगा, जबरदस्ती शुरू में ही कहता है मैं अब सेक्स करना चालू करूंगा, तो फिर ये ड्राई वजाइना होगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, कुड नॉट लीड टू द एग्जैक्ट कुड नॉट फीलिंग टू द फीलिंग। तो ऐसे लोग फिर वो लगाना शुरू कर देते हैं कि जी कोई लुब्रिकेंट यूज कर लो, यूज कर लो। जब अभी नॉर्मल वे में सेक्स करेगा, फोर प्ले अच्छे से करेगा, तो शायद फिर उसको किसी भी लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ती भी है तो एक सिंपल हम लोग कहते हैं कि जो अपनी शरीर में यदि आप कोई बॉडी लोशन लगा रहे हैं तो वही लोशन आप यूज कर सकते हैं, दैट इज गुड इनफ, व्हाई यू हैव टू नीड एनीथिंग एल्स। ओके, थैंक यू सर। एक और कम्युनिटी से क्वेश्चन आ गया सर, व्हिच आई कैन सी इन द लाइव। समवन हैज आस्क्ड, आई एम इंपोर्टेंट एंड नीड हेल्प। देखिए, अब आपने जो ये वर्ड यूज कर लिया इम्पोर्टेंट, इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। अच्छा, किसी का दूसरा नाम इम्पोर्टेंसी है। okay. तो जैसे भी इतना डिस्कशन हुआ है तो मैंने तो पहले यही है कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाके एक बार जांच करानी चाहिए, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह है जो आज हम लोगों ने बात नहीं की है, विल सम अदर टाइम विल डिस्कस इन मोर डिटेल। देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ टेस्ट व्हिच वी डू एंड देन वी फाइंड आउट, वी टेक द हिस्ट्री ऑफ ऑल द डिटेल्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, and then according to the problem, according to the finding of the investigation, then we start treatment, and there are variety of treatments are available, so nothing is like that ki not treatable, that question doesn't arise nowadays. Okay, to aap ek doctor se consult kar lijiye sabse pehle aur fir jaisi wo salah de fir waise aage badhiye. Thank you so much sir. I'm sure aap sabhi jin logon ne questions puche hain hamari community ko jaakar anonymously, aap sabke answers जो है सर ने, पता नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा इस वक्त सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो नॉर्मल लाइफ में भी कई सारे फ्रेंड्स हैं या जानने वाले हैं उनके थ्रू सुनाई पड़ते थे। अच्छा है कि लोगों ने यहाँ पूछे एक साथ। एंड अगर आप और भी ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो एनोनिमसली फिर से पोस्ट करिए ऑफकोर्स, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि सर से हम कुछ उनका कीमती वक्त और चुरा पाएं और आपको हम उनके आंसर्स सर से लेके आप तक पहुँचा पाएं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू शुड नॉट afraid or being scared, और आपको अब shy नहीं feel करना चाहिए इस topic के बाद, जैसे सर ने starting में कहा था। सबसे पहले सर, I'll be very thankful to you कि आप अपना कीमती समय हम लोगों को दे रहे थे यहाँ पे, एक घंटा आपने दिया, एंड सारे कम्युनिटी के मेम्बर्स ने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आपने आंसर दिए। बिफोर एंडिंग, इफ यू वॉन्ट टू जस्ट गिव एंड नोट टू समथिंग। नहीं, सबसे पहले तो मैं Famhealth को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इस तरीके का टॉपिक सोचा और इस तरीके का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कम्युनिटी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर बीमारी हर चीज के लिए कम्युनिटी एजुकेशन बहुत जरूरी है, और एक ये ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली मीडिया वाले नहीं कवर करते हैं जी, क्योंकि वही हेजिटेशन आती है सबके माइंड में और डॉक्टर के भी माइंड में आ रही कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, जी जी जी, किसको लोग सही समझेंगे किसको लोग गलत समझेंगे। जी हां जी, लेकिन टेक इट इन ए पॉजिटिव स्पिरिट दैट वी आर talking of a one of the health condition, it is not a disease, it is not a taboo, it is nothing to feel bad about that. If somebody has a problem, better to come out, discuss with the doctor and get a proper treatment instead of going to the different kind of treatments are available in the market,
आई विल से दैट लोग जाते हैं, कोई भस्म खा रहा है, कोई गोली खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, चूर्ण खा रहा है, जी हाँ, तो ये सब चीजें ना करके एक बार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और यदि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम निकलती है तो उसका इलाज है जी, और यदि दोनों पार्टनर मिलकर डिस्कशन करें तो ये बहुत अच्छा हो। एग्जैक्टली जैसा सर ने कहा कि ओपन अप टॉक, बात करने से बहुत कुछ सॉल्व होगा और बहुत सारी चीजों के हल निकलेंगे, बहुत सारी बातों और सवालों के हल निकलेंगे। एक बार फिर मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा पूरे फैमिल की तरफ से करना चाहूंगा सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर फैमिल लाइव सेशन टू टॉक अबाउट सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच पीपल डोंट टॉक नॉर्मली। और मैं आप सबसे फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि आपके किसी भी तरह के हेल्थ कंसर्न्स या क्वेरीज हो वो आप हमें लिख दीजिए हमारी कम्युनिटी पर जाकर, विच इज़ famhealth.in/community, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी लिख के अपने सवाल या क्वेरीज भेज सकते हैं, नंबर है 8527940940। हमारे कम्युनिटी पे आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी जो मैं अक्सर आपसे बताता हूँ कि हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज मिलेंगी, डॉक्टर के एडवाइसेस मिलेंगे और काफ़ी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, सो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन इट। सर एक बार फिर से थैंक यू आपका सर, थैंक यू सो मच।